किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जो है मधुमक्खी पालन एवं शहद बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए इस जानकारी को शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन एवं शहद बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें। मधुमक्खी पालन का व्यापार कृषि के साथ साथ होने वाला व्यापार है। इस व्यापार की सहायता से आपको सीजन के तौर पर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप चाहें तो इस व्यापार को आरंभ करने के लिए सरकार की भी आर्थिक मदद की भी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यापार के लिए आपको मधुमक्खी पालन संबंधी जानकारियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी फार्म की जानकारी। मधुमक्खी पालन से काफ़ी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। फार्म के एक मधुमक्खी के डिब्बे में आपको वर्ष भर में 50 किलो शहद और 2 से 3 डिब्बे मधुमक्खियां प्राप्त हो जाती हैं। इन नई मधुमक्खियों से आपको पुनः इस व्यापार को करने में मदद प्राप्त होती है। मधुमक्खियों की संख्या, एक डिब्बे में कुल 3 प्रकार की मधुमक्खियां रखी जाती हैं। इन 3 प्रकार की मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी शामिल होती है। एक डिब्बे में श्रमिक मधुमक्खी की संख्या 30,000 से 1,00,000 तक की होती है। इसमें नर मधुमक्खी की संख्या 100 के आसपास की होती है और इसमें रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है। मधुमक्खियों की आयु, विभिन्न श्रेणी की मधुमक्खियों की आयु विभिन्न होती है। रानी मधुमक्खी की आयु 1 वर्ष, नर मधुमक्खी की आयु 6 महीने और श्रमिक मधुमक्खी की आयु लगभग 1.5 महीने की होती। मधुमक्खी पालन शहद बनाना। मधु के व्यापार की प्रक्रिया। मधुमक्खी पालन 2 तरह से किया जा सकता है। आप मधुमक्खी फार्मिंग और हनी प्रोसेसिंग प्लांट दोनों की मदद से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एक बेहतर प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप इस कार्य के लिए अपने फर्म में बिकी कीपर्स को रख सकते हैं। ये लोग मधुमक्खी पालन में निपुण होते हैं। आपको उस स्थान पर मधुमक्खी पालन करने की आवश्यकता होती है जहाँ पर नमी ना हो। स्थान पर साफ और प्राकृतिक पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि अधिक संख्या में पेड़ पौधे हों तो काफ़ी बेहतर है। आपको मधुमक्खी पालन के लिए साफ सुथरे और फैले स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि मधुमक्खी अधिक संख्या में छत्ता लगा सके। एक डिब्बे में अधिकतम 10 फ्रेम मधुमक्खी रख सकते हैं, किंतु आमतौर पर 8 फ्रेम मधुमक्खी रखना ही बेहतर होता है। इससे इनकी देखभाल में भी आसानी हो पाती है। शहद प्लांट प्रोसेसिंग। शहद प्लांट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। इस प्लांट को बैठाने के एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन की सहायता से हनी प्लांट बैठाया जाता है। इस मशीन की सहायता से मधु शहद को बनाने से लेकर पैकिंग करने तक के काम को अंजाम दिया जा सकता है। प्लांट की लागत। इस प्लांट की कुल लागत 20,00,000 की होती है। इस प्लांट की सहायता से अधिकतम 100 किलो तक शहद तैयार किया जा सकता है। शहद बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको मधु कोष से मधुमक्खी के छत्ते को अलग करने की आवश्यकता होती है। मधु कोष को हटाने की कुछ विशेष प्रक्रिया हैं, जिसे बिकी कीपर्स जानते हैं। मधुकोश को हटाने के बाद इसका 2/3 हिस्सा ट्रांसपोर्ट बॉक्स में भरकर उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर एक भी मधुमक्खी ना हो। इसके बाद इस मधुकोश को मशीन के एक्सट्रैक्टर में डालकर आगे की प्रक्रिया के लिए छोड़ा जाता है। आमतौर पर एक मधुकोश का भार 2.27 किलोग्राम होता है। इसके बाद मशीन को चलाने पर एक्सट्रैक्टर के द्वारा मधु निकलना आरंभ हो जाता है। इस समय आपको एक्सट्रैक्टर के निचले हिस्से से मधु प्राप्त होने लगती है। किसी भी प्लांट में बनाए गए मधु को लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ताकि इसके अंदर के क्रिस्टल हिस्से भी अच्छे से गल जाएं। इसके बाद इसे इसी तापमान पर लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है।
इस प्रक्रिया के बाद आपको मधु पैकिंग के लायक तैयार हो जाता है। पैकेजिंग, हनी पैकेजिंग, मधु की पैकिंग करना इस व्यापार का एक आवश्यक कदम है। बाजार में अक्सर कई मधु के ब्रांड विभिन्न पैकेट्स की सहायता से बेचे जा रहे हैं। आपको पैकिंग के समय मधु की मात्रा, बोतल के डिजाइन का खास ख्याल रखना होता है। आप अपने बनाए मधु को न्यूनतम 100 ग्राम के डिब्बे की सहायता से बेच सकते हैं। आपको विभिन्न डिजाइन के डिब्बे बाजार में होलसेल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। मार्केटिंग, आपको अपने मधु का व्यापार बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप अपने बनाए गए मधु को होलसेल के तौर पर आसानी से बेच सकते हैं। तात्कालीन समय में बाजार में महज 3 या 4 ब्रांड के ही मधु बेचे जा रहे हैं। यदि आपकी क्वालिटी बेहतर है तो कम समय में आप आसानी से मधु के मार्केट में अपना नाम कमा सकते हैं। आप बाजार में बड़ी दुकानों से बात करके उन्हें अपने मधु बेच सकते हैं। आप मार्केटिंग के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर अपने ब्रांड के पोस्टर्स आदि लगा सकते हैं। साथ ही आप स्थानीय अखबारों में भी इसका ऐड दे सकते हैं। लाइसेंस, इस व्यापार के लिए आपको विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले अपने प्लांट का पंजीकरण उद्योग आधार के अंतर्गत कराना पड़ता है। इसके उपरांत आपको अपने फार्म के नाम का एक करंट बैंक अकाउंट और पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है। आपको आपके बनाए गए मधु की जांच सरकारी खाद्य विभाग से कराकर FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। आपको अपने व्यापार के लिए ट्रेंड लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। तात्कालीन समय में टैक्स के लिए आपको अपने फार्म का पंजीकरण GST अंतर्गत ही कराना पड़ता है। इस तरह से अन्य व्यापारों की तरह इस व्यापार में भी आपको विभिन्न आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। व्यापार की लागत, यह व्यापार छोटे स्तर पर आरंभ किया जा सकता है। आप चाहें तो केवल 10 पेटी की मदद से मधुमक्खी पालन का व्यापार कर सकते हैं। 10 पेटी की सहायता से मधुमक्खी पालन व्यापार में आपको कुल खर्च 35,000 से 40,000 का आता है। यह व्यापार प्रति वर्ष मधुमक्खियों की संख्या के बढ़ने के साथ 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। अर्थात 10 पेटी से आरंभ किया गया यह व्यापार एक वर्ष में 25 से 30 पेटी का भी हो सकता है। व्यापार के लाभ, इस व्यापार में एक बेहतर लाभ कमाया जा सकता है। एक डिब्बे में मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले 50 किलो शहद में अक्सर 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। अतः प्रत्येक डिब्बे में आपको 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं। बड़े पैमाने पर इस व्यापार को करने से प्रति महीने 1,15,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े पैमाने के व्यापार में तैयार किए गए मधु का मूल प्रति किलोग्राम 250 रुपये के आसपास होता है। मधुमक्खी पालन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मधुमक्खियों को किसी भी तरह का रोग नहीं होता, किंतु कभी कभी इन पाले गए मधुमक्खी में माइल नामक बीमारी हो जाती है। हालांकि इसका सरल और सटीक उपचार भी मौजूद है। आप अपनी प्रत्येक मधुमक्खी पालन डिब्बे में 2 कली लहसुन की डाल दें तो यह रोग नहीं होता है। यदि आप यह व्यापार बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, अर्थात प्रति वर्ष 20,000 किलोग्राम शहद बनाना चाहते हैं, तो आपके व्यापार की कुल लागत लगभग 24,50,000 की होती है। इससे हालांकि लाभ भी बहुत अधिक होता है। मधुमक्खी पालन का समय, मधुमक्खी पालन का समय आमतौर पर नवंबर के महीने से आरंभ होता है। अतः इस माह से पहले ही आपको मधुमक्खी पालन की सभी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आपको यदि डिब्बे खरीदने में पैसे बचाने हो तो आप यह डिब्बे नवंबर माह से पहले ही खरीद लें। सरकार से प्राप्त मदद, इस व्यापार के लिए भारत सरकार का MSMI विभाग मदद करता है। इस मंत्रालय के खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत कई योजनाएं चलती हैं, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा प्राप्त मदद निम्नलिखित रूप में होती है।
इस व्यवसाय के आरंभ के लिए सरकार हनी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करती है। इस प्लांट की स्थापना के लिए कुल लागत का 65% हिस्सा ऋण के तौर पर दिया जाता है। इस ऋण के अलावा सरकार की तरफ से 25% सब्सिडी भी प्राप्त होती है। इस तरह से आपको कुल लागत का केवल 10% ही अपने पास से लगाना होता है। यदि कुल लागत 24,50,000 की होती है तो आपको तो लगभग 16 लाख रुपए ऋण के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। मार्जिन राशि के रूप में आपको 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से व्यापार में व्यक्ति को अपने पास से केवल 2 लाख रुपए लगाने की आवश्यकता होती है। व्यापार आरंभ करने के लिए आवश्यक वेबसाइट। सरकार ने इस व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए वेबसाइट जारी की है। इस व्यापार में सरकार से योगदान प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाएं। इस व्यापार में सरकार की सहभागिता संबंधी जानकारी के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार यह व्यापार एक अच्छा लाभ देने वाला व्यापार है। आजकल अधिक लोग चीनी की जगह मधु का प्रयोग करते हैं, अतः यह काफ़ी चलने वाला व्यापार है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।